जय साईं राम। मैं हूं किरण, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है, सभी के घरों में बनने वाला है टेस्टी टेस्टी खाना। तो आज मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी व्रत के लिए मीठा, जिसे देखकर आपके मुंह में आ जाएगा पानी। सिंघाड़े के आटे से बने हुए मालपुए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रसीले हैं ये और बहुत ही जूसी। चलिए फिर बिना देरी किए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप मावा, जो मैंने घर पर ही तैयार किया है मिल्क पाउडर से। यदि आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 1 कप सिंगाड़े का आटा और 1 कप दूध। अब हम तीनों को एक मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। दूध अभी हम आधा ही डालेंगे और इसे हम एक बार चला लेंगे। इसका देखिए इस तरह से बैटर तैयार हो जाएगा और इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। इसके लिए हमें पतली चाशनी तैयार करनी है गुलाब जामुन की तरह। तो जितना मैंने चीनी ली है उतना ही पानी ले लेंगे और चीनी घुलने तक इसे हम चलाएँगे। जब चीनी घुल जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और फूड कलर। मैंने यहाँ येलो फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डालिए। चाशनी को हमें चिपचिपा होने तक पकाना है। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारे बैटर को भी 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए थोड़ा थिक लग रहा है, थोड़ा सा हम इसमें दूध और डालेंगे। दूध डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर कुछ हमारा इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसके मालपुए बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच की सहायता से हम बैटर को डालते जाएं और इसे हम हल्का सा फैला देंगे और हम 1 चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे इसके ऊपर। और फिर जब ये एक साइड से सेक जाएंगे तब हम इन्हें इसे पलटा देंगे और दोनों साइड से हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अब देखिए तल चुके हैं और मैंने निकाल लेंगे। अब मैंने इसे एक झरिए में निकाला है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। फिर हम इसे डाल देंगे चाशनी में। चाशनी हमारी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए और इसे हम 5 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देंगे। हमारे मालपुए हो गए रेडी। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। एक प्लेट में हम मालपुओं को अरेंज कर देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे चाशनी। सारे मालपुओं में डाल दें और यहाँ पर मैंने रबड़ी तैयार करके रखी है, वो भी हम डाल देंगे। इससे टेस्ट और दुगना हो जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और हमारी टेस्टी टेस्टी मालपुए हो गए तैयार। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।